नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी। टीकमगढ़ जनपद पंचायत में सीईओ नहीं बैठ रहे हैं ऑफिस में। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति परेशान होकर घर वापस चले जाते हैं। जनपद पंचायत टीकमगढ़ में आए दिन हुए व्यक्तियों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से बराबर जनपद पंचायत टीकमगढ़ के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सीईओ अपने घर से ही सारे काम कर रहे हैं। मौके पर जब पहुंची मीडिया टीम तो देखा गया कि ऑफिस के अंदर कुछ बाबू की भरोसे चल रही है जनपद पंचायत टीकमगढ़। जनता क्या इसी तरह परेशान होती रहेगी? आने वाले व्यक्तियों ने बताया कि किसान सम्मान निधि जो मिलना थी वह किसी और के खाते में 3 महीने से जा रही है, लेकिन मैं जब भी जनपद पंचायत टीकमगढ़ ऑफिस पहुंचा वहां पर सीओ साहब नहीं मिले। कोई मिल नहीं है ऑफिस में, कोई नहीं है। सीओ साहब नहीं जाते कहां? सब में ढूंढ लो, कोई मिल नहीं रहा। क्या काम है आप? ये हमारा सम्मान निधि के पैसा दूसरे के खाते में जा रहे हैं। फिर जिला पंचायत जनपद सीओ ने गए थे का? नहीं, हमने कलेक्टर साहब को गए थी। जजा पार्टी 3 हफ्ता हो गए, लेकिन 3 हफ्ता से कोई कार्रवाई नहीं भाई। सी ओ साहब नहीं मिल रहे तुम लोग? सी ओ साहब नहीं, तो चैम्बर है कि मेरे है कि नहीं है? देखो, अच्छा साहब देखो, चैम्बर में सी ओ साहब कहते हैं जो देखो दे है का नहीं है? देखो में है कि नहीं है? नहीं है। यही से परेशान हो रहे तुम्हें? कब से हो रहा परेशान तुम? 3-4 क्या महीना हो गए? 3 किस्त आएगी साहब, अच्छा। हाँ, तो सीओ साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही जनपद सीओ से? हाँ, कहा चाहो तो हम दे चाहे हमारे पैसा हो जाए। खबर समय जगत के लिए टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।